Continue numerical example 4.4. A body which is balanced meter rod is supported at its middle point O. एक मीटर रॉड है जिसको मिडल पॉइंट ओ से सपोर्ट किया गया था. जो ब्लॉक, एक ब्लॉक जिसका वेट 10 न्यूटन है, बी पॉइंट पे सस्पेंड है और 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ है. इसके बाद फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक विच इज बैलेंस विच इज एट द पॉइंट ए. इसका हमने वेट फाइंड आउट करना है और इसका जो डिस्टेंस या मोमेंट आर्म है वो 25 सेंटीमीटर है. डेटा मैंने रिपीट कर दिया. फॉर्मूला था हमारे पास अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. इस तरफ राइट हैंड साइड पे प्रोड्यूस होने वाला मोमेंट मतलब क्लॉकवाइज मोमेंट हम इक्वल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोड्यूस होने वाले मोमेंट मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के. तो उसके लिए जो फॉर्मूला हम एडिट कर रहे हैं, डब्ल्यू टू मल्टीप्लाई ओ बी एंड डब्ल्यू वन मल्टीप्लाई ओ ए. इसको आप कंपेयर कर लें. ओ ए 0.25 मीटर है, ये गिवन है, और ओ बी 0.40 मीटर के इक्वल है. यहाँ से डब्ल्यू वन को फाइंड आउट करेंगे, 0.25 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड आकर डिवाइड हो जाएगा. 10 न्यूटन मल्टीप्लाई 0.40 मल्टीप्लाई करके जब डिवाइड 0.25 करेंगे तो आंसर आपके पास 16 न्यूटन आएगा. दस द वेट ऑफ द ब्लॉक सस्पेंडेड एट पॉइंट ए 16 न्यूटन. ब्लॉक का जो वेट है जो पॉइंट ए पर सस्पेंड किया गया है उसका वेट हमने फाइंड आउट कर लिया विच इज 16 न्यूटन. तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को डिस्कस किया. शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन क्लॉकवाइज मोमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. क्वेश्चन ये भी आ सकता है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स. जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है उसकी स्टेटमेंट आपने बतानी है. तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को आपने अंडरस्टैंड करना है. ये क्विज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी आप लोगों की एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है. अपना ख्याल रखिए. हैव अ नाइस डे. टेक केयर. अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम. टॉपिक का टाइटल है सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, चैप्टर नंबर 4. सबसे पहले डेफिनेशन सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स कॉजेज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन. किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर जब हम लोग उस पर फोर्स लगाएं बॉडी पर या सिस्टम पर तो वो बॉडी या सिस्टम रोटेट नहीं करेगी, रोटेट करने के बगैर मूव करेगी. रिपीट करता हूँ. सेंटर ऑफ मास इज सच अ सिस्टम इन विच अ कॉजेज अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स कॉज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन. किसी सिस्टम पर एक ऐसे पॉइंट पर हम लोग फोर्स लगाएं उस पॉइंट पर लगने वाली फोर्स बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस ना करे, बॉडी मूव करे अलोंग अ लाइन. इसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ये हमारे पास एक सिस्टम है एग्जांपल 4.16 में. 4.16 सेंटर ऑफ मास ऑफ टू अनइक्वल मैसेज को इंडिकेट कर रहा है. ये दो मैसेज हैं ए एंड बी, ये पॉइंट ओ है. अगर इस पॉइंट पर हम लोग एक फोर्स इस पर लगाते हैं तो इस बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी बल्कि बॉडी मूव करेगी. एक्सप्लेन करते हैं. कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल ए एंड बी कनेक्टेड बाय अ लाइट रिज्ड रॉड. इसी सिस्टम को हमने कंसीडर किया जिसके दो पार्टिकल हैं ए एंड बी, जिसको हम लोगों ने लाइट रिज्ड रॉड से कनेक्ट किया. लेट ओ इज अ पॉइंट बिटवीन ए एंड बी सच दैट द फोर्स एफ इज अप्लाइड एट द पॉइंट ओ. यही एग्जांपल से ही ए एंड बी दो बॉडी हैं, सफेयर टाइप बॉडीज हैं. इनके दरमियान इनको एक रॉड के साथ कनेक्ट किया गया, एक सिस्टम बनाया गया है. ओ पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है अगर हम लोग इस पर एक फोर्स लगाते हैं, अगर लेट एफ फोर्स एफ इज अप्लाइड एट द पॉइंट ए इफ द सिस्टम मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. अगर बॉडी या पूरा सिस्टम फोर्स की डायरेक्शन में मूव करे, रोटेट ना करे, तो इस सिस्टम को हम, इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहेंगे. छोटा सा आर्टिकल था सेंटर ऑफ मास का. किसी बॉडी या किसी सिस्टम पर एक ऐसा पॉइंट
जिस पॉइंट पर अगर हम लोग फोर्स लगाएं तो बॉडी रोटेट ना करे बल्कि लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी मूव करे। कंक्लूजन क्या ड्रॉन होती है इस टॉपिक से कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इफ इंटायर मास इज कन्फाइंड एट द पॉइंट, के अगर हम लोगों के पास एक कोई सिस्टम है तो अगर हम लोगों को एक ऐसे पॉइंट का पता लग जाए जिस पॉइंट पर हम लोग फोर्स लगाकर बॉडी में रोटेशन ना प्रोड्यूस करें बल्कि बॉडी को मूव करवा सकें, तो ये भी एक रिजल्ट है सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करने का। फोर्स अप्लाइड एट दैट पॉइंट विल नॉट प्रोड्यूस टॉर्क, इस पॉइंट पर लगने वाली फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगी, द बॉडी विल मूव विदाउट रोटेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और ये भी इसी की कंक्लूजन है कि बॉडी जो होती है वो रोटेट करेगी विदाउट रोटेशन के। इसी सिस्टम को एक्सपेंड किया गया COM को वेरीफाई करने के लिए। COM सेंटर ऑफ मास है, पॉइंट O पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन में ही बॉडी मूव कर रही है। थ्री डिफरेंट शेप ऑफ द बॉडी विच इंडिकेट द सेंटर ऑफ मास, फिग 4.17। अ फोर्स अप्लाइड एट COM मूव इन द सिस्टम विदाउट रोटेशन। एक केस बना लेते हैं COM का सेंटर ऑफ मास का। कहता है कि अगर एक सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास अगर इस जगह पर है, लगने वाली फोर्स थोड़ा सा अपवर्ड लगती है एक बॉडी ए या सफेयर ए के पास, तो इससे क्या होगा, बॉडी मूव तो करेगी लेकिन मूव करने के साथ साथ ये बॉडी रोटेट भी करेगी, मतलब इसमें टर्निंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस होगा। तो सिंपली इस पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी मूव भी करेगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और बॉडी में टर्निंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस होगा। द सिस्टम मूव एज वेल एज रोटेट When a force is applied away from COM, कहता है कि जब किसी बॉडी पर सेंटर ऑफ मास से थोड़ा सा अवे फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी मूव भी करेगी और उसमें टर्निंग इफेक्ट या रोटेशन भी पैदा होगी। सिमिलरली द सिस्टम मूव एज वेल एज रोटेट व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड अवे फ्रॉम COM, सेंटर ऑफ मास से अवे करके फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी मूव करने के साथ साथ रोटेट भी करेगी। आर्टिकल नंबर 2 है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी को हम लोग जानते हैं, इट रेफर्स एज द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ अर्थ, ज़मीन की बॉडीज़ की तरफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को हम लोग ग्रेविटी के नाम से जानते हैं, मतलब एक ऐसी फोर्स जिस फोर्स से क्या होता है ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसको हम लोग ग्रेविटी कहते हैं। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज़ है, अ पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ अ बॉडी अपीयर टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे किसी बॉडी का सारा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है उसको हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि एक बॉडी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो कौन सा ऐसा पॉइंट है, क्योंकि जो बॉडीज़ होती हैं अगर हम लोग सॉलिड मटेरियल की या रिज्ड टाइप बॉडी की बात करें तो वो बॉडी जो होती है वो स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। अब वो जो पार्टिकल्स होते हैं हर एक पार्टिकल वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, अगर हम लोग हर एक पार्टिकल के वेट को फोर्स का नाम दे दें तो सारी फोर्सेस पैरेलल होंगी एक दूसरे के, इन सारी की सारी कंबाइन फोर्स का अगर हम लोग रिजल्टेंट फोर्स या वेक्टर निकालें वो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इट हैज़ द सेम इफेक्ट और कंबाइन इफेक्ट होगा इन सारे के सारे पार्टिकल्स का, उस वेक्टर की पोजिशन हम लोगों को सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताएगी। रिपीट करता हूँ, एक बॉडी है छोटे छोटे पार्टिकल्स पर कंसिस्ट है, अगर हम लोग इस बॉडी को भी नाम दे दें हर एक पार्टिकल का भी नाम दे दें तो हर एक पार्टिकल का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, सारे के सारे वेट को फोर्स का नाम दे दें तो ये पैरेलल फोर्सेस बन जाएंगी, इन सारी फोर्सेस को कंबाइन करके एक रिजल्टेंट वेक्टर या फोर्स मालूम करें तो वो जो रिजल्टेंट वेक्टर की पोजिशन होगी वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताएगी। तो इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि इट इज़ यूजफुल टू नो द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इन प्रॉब्लम्स डीलिंग विद इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम वर्ड है इसको करेक्ट कर लीजिएगा, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे लिए हेल्पफुल है कि जब हम लोग बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजिशन में उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करते हैं। ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन आपने साथ में करनी है जो मैंने वर्डिंग में बता दी है। दो टॉपिक थे सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इनको आप कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स मीन रेगुलर ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल है, एक रेक्टेंगल है,
एक सर्कल है, इस तरह की सारी ऑब्जेक्ट्स जिनकी एक रेगुलर शेप होती है उनको हम लोग सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का नाम देते हैं। आइए डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स की। सबसे पहले जो डायग्राम है इसमें हम लोगों को एक रॉड बताया गया है लॉन्ग इट्स लेंथ। अब ये जो रॉड है इसके दो तरफ वेट सस्पेंडेड वेट हम लोगों को बताए गए हैं और सेंट्रल पार्ट में जी लिखा हुआ है, स्टैंड फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस मेंशन है रेगुलर ऑब्जेक्ट्स हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ कहाँ पे होगा, मिडल पॉइंट पे। दूसरी चीज़, नीचे डायग्राम में आ जाता हूँ, ये एक स्क्वायर है। मैथमेटिक्स में भी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, हैविंग फोर साइड एंड इक्वल साइड्स इक्वल इन लेंथ। अगर हम लोग इस स्क्वायर के डायगनल ड्रा करें इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, इसी तरह से ये सेकेंड वाला डायगनल है, दो किसी स्क्वायर के डायगनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर ऑफ ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ स्क्वायर, तो हम लोग इसको क्या आंसर देंगे, द स्क्वायर हैविंग टू डायगनल देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि एक जो स्क्वायर है उसके डायगनल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसको हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम देंगे। पी डायग्राम में एक स्फेयर है, ये सर्कुलर सर्कल टाइप नजर आ रहा है लेकिन ये होलो स्फेयर इसका नाम है। होलो स्फेयर के अगर हम लोग मिड पॉइंट को ढूंढें, इसी तरह से इसकी फोर साइड बना दें, जिस जगह पर ये पॉइंट आप उसमें मीट कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड स्फेयर और होलो स्फेयर इज द सेंटर ऑफ स्फेयर विच इज शोन इन फिग 4.22, इसका बी पार्ट है। मैं रिपीट करता हूँ, ये सर्कल नहीं है ये स्फेयर है। इन स्फेयर का मिड पॉइंट हम लोग तलाश करेंगे, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो थर्ड वन डायग्राम है थर्ड वन डायग्राम में एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल यूनिफॉर्म रेक्टेंगल इसका हम नाम देते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर शीट। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, इसके मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको ढूंढ लेते हैं। यहाँ से अगर हम लोग इसकी फोर साइड्स हैं, हमने सामने वाली साइड इक्वल है, अगर हम लोग एक लाइन जो है वो इस तरह से ड्रा करें जैसे हम लोगों ने डायगनल ड्रा किए थे स्क्वायर के, इसी तरह से जो दोनों पॉइंट के दरमियान एक शीट के मिड पॉइंट मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा उसके मीडियंस जिसको हम नाम देते हैं, इसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगल का नाम देते हैं। फोर्थ जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट यहाँ पे बताया गया है वो एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल हैविंग थ्री साइड्स और यूनिफॉर्म जो जो हमारे पास ट्राइंगल है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर हर एक साइड के मीडियंस को हम ड्रा करें, तो तीन साइड हैं तो तीनों साइड के मीडियंस जो होंगे जिस पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को मीट करेंगे, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जी से, विच विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्राइंगल। रिपीट करता हूँ, ये एक ट्राइंगल है, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, थ्री साइड्स हैं इसका, अगर हम लोग थ्री साइड्स अलग अलग हैं, इस साइड का मीडियन ड्रा करें इसके मिड पर और यहाँ मिड से थर्ड वन वाली साइड का सेंटर पे आके मीट करेगी, इसी तरह से ये थर्ड वाली लाइन है और ये तीनों जो लाइंस हैं इनका मीडियंस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। नेक्स्ट डायग्राम है एक रिंग टाइप सर्कुलर शेप है, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग इसको हम नाम देते हैं, और जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग का, इसका सेंटर होगा ऑफ द रिंग। अब इसका सेंटर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपली हम लोग
जिस तरह से डायगनल ड्रा करते हैं, इस तरह से जो दो लाइंस ड्रा करेंगे इसके सेंट्रल पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए, या मीडियम को फाइंड आउट करने के लिए जी से रिप्रेजेंट करेंगे। जी विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। नेक्स्ट जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है वो एक सॉलिड सिलेंडर टाइप शेप है, यस सिलेंड्रिकल शेप होती है जिसके दो फेज होते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। जो अपवर्ड फेस है इसका एक एक्सिस होता है, एक्सिस मतलब सेंट्रल लाइन होती है जिसको हम लोग एक्सिस का नाम देते हैं, और जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड होलो सिलेंड्रिकल का वो मिडल पॉइंट होगा उसके एक्सिस पर। ये इसका एक्सिस है, इस एक्सिस का मिडल पॉइंट इस जगह पर है। अब अगर आप लोगों ने ये चीज़ फाइंड आउट करनी हो कि अपवर्ड फेस और डाउनवर्ड फेस पे ये कहाँ पे आके मीट करना चाहिए, तो यहाँ पे एक आप लोगों ने क्रॉस लाइन इस तरह से लगानी है जिस तरह हम लोग किसी स्फेयर पर या किसी सर्कल पर डायगनल ड्रा करते हैं। तो इन दो क्रॉस लाइन जहाँ पे आके मीट कर रही हैं, इन दो के दरमियान एक्सिस रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये जो एक्सिस होगा इसका सेंट्रल पॉइंट जी को रिप्रेजेंट करेगा, विच विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ होलो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट आर सॉलिड। ये सिक्स शेप थी, ऑब्जेक्ट्स थे जिनके हम लोगों ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट किए। अस्सलाम वालेकुम, टॉपिक का टाइटल है सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, चैप्टर नंबर 4। सबसे पहले डेफिनेशन सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स कॉजेज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर जब हम लोग उस पर फोर्स लगाएं बॉडी पर या सिस्टम पर, तो वो बॉडी या सिस्टम रोटेट नहीं करेगी, रोटेट करने के बगैर मूव करेगी। रिपीट करता हूँ, सेंटर ऑफ मास इज सच अ सिस्टम इन विच कॉजेज अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स कॉज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। किसी सिस्टम पर एक ऐसे पॉइंट पर हम लोग फोर्स लगाएं उस पॉइंट पर लगने वाली फोर्स बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस ना करे, बॉडी मूव करे अलोंग अ लाइन। इसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये हमारे पास एक सिस्टम है, एग्जांपल 4.16 में। 4.16 सेंटर ऑफ मास ऑफ टू अनइक्वल मैसेज को इंडिकेट कर रहा है। ये दो मैसेज हैं ए एंड बी, ये पॉइंट ओ है। अगर इस पॉइंट पर हम लोग एक फोर्स इस पर लगाते हैं तो इस बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी बल्कि बॉडी मूव करेगी। एक्सप्लेन करते हैं, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल ए एंड बी कनेक्टेड बाय अ लाइट रिच रॉड। इसी सिस्टम को हमने कंसीडर किया जिसके दो पार्टिकल हैं ए एंड बी, जिसको हम लोगों ने लाइट रिच रॉड से कनेक्ट किया। लेट ओ इज अ पॉइंट बिटवीन ए एंड बी सच दैट द फोर्स एफ इज अप्लाइड एट द पॉइंट ओ। यही एग्जाम्पल से ही ए एंड बी दो बॉडी हैं, सफेयर टाइप बॉडीज हैं, इनके दरमियान इनको एक रॉड के साथ कनेक्ट किया गया, एक सिस्टम बनाया गया है। ओ पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, अगर हम लोग इस पर एक फोर्स लगाते हैं, अगर लेट एफ फोर्स एफ इज अप्लाइड एट द पॉइंट ए इफ़ द सिस्टम मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर बॉडी या पूरा सिस्टम फोर्स की डायरेक्शन में मूव करे, रोटेट ना करे, तो इस सिस्टम को हम, इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहेंगे। छोटा सा आर्टिकल था सेंटर ऑफ मास का, किसी बॉडी या किसी सिस्टम पर एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर अगर हम लोग फोर्स लगाएं तो बॉडी रोटेट ना करे बल्कि लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी मूव करे। कंक्लूजन क्या ड्रॉन होती है इस टॉपिक से कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इफ़ इंटायर मास इज कन्फाइंड एट द पॉइंट, कि अगर हम लोगों के पास एक कोई सिस्टम है तो अगर हम लोगों को एक ऐसे पॉइंट का पता लग जाए जिस पॉइंट पर हम लोग फोर्स लगाकर बॉडी में रोटेशन ना प्रोड्यूस करें बल्कि बॉडी को मूव करवा सकें, तो ये भी एक रिजल्ट है सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करने का। फोर्स अप्लाइड एट दैट पॉइंट विल नॉट प्रोड्यूस टॉर्क, इस पॉइंट पर लगने वाली फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगी, द बॉडी विल मूव विदाउट रोटेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और ये भी इसी की कंक्लूजन है कि बॉडी जो होती है वो रोटेट करेगी विदाउट रोटेशन के।
इसी सिस्टम को एक्सपेंड किया गया COM को वेरीफाई करने के लिए। COM सेंटर ऑफ मास है, पॉइंट ओ पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन में ही बॉडी मूव कर रही है। थ्री डिफरेंट शेप ऑफ द बॉडी विच इंडिकेट द सेंटर ऑफ मास, फिग 4.17। अ फोर्स अप्लाइड एट COM मूव इन द सिस्टम विदाउट रोटेशन। एक केस बना लेते हैं COM का, सेंटर ऑफ मास का। कहता है कि अगर एक सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास अगर इस जगह पर है, लगने वाली फोर्स थोड़ा सा अपवर्ड लगती है एक बॉडी ए या सफेयर ए के पास, तो इससे क्या होगा, बॉडी मूव तो करेगी लेकिन मूव करने के साथ साथ ये बॉडी रोटेट भी करेगी, मतलब इसमें टर्निंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस होगा। तो सिंपली इस पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी मूव भी करेगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और बॉडी में टर्निंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस होगा। द सिस्टम मूव एज वेल एज रोटेट When a force is applied away from COM, कहता है कि जब किसी बॉडी पर सेंटर ऑफ मास से थोड़ा सा अवे फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी मूव भी करेगी और उसमें टर्निंग इफेक्ट या रोटेशन भी पैदा होगी। सिमिलरली द सिस्टम मूव एज वेल एज रोटेट व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड अवे फ्रॉम COM, सेंटर ऑफ मास से अवे करके फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी मूव करने के साथ साथ रोटेट भी करेगी। आर्टिकल नंबर टू है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी को हम लोग जानते हैं, इट रेफर्स एज द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ अर्थ, ज़मीन की बॉडीज़ की तरफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को हम लोग ग्रेविटी के नाम से जानते हैं, मतलब एक ऐसी फोर्स जिस फोर्स से क्या होता है ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसको हम लोग ग्रेविटी कहते हैं। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज़ है, अ पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ अ बॉडी अपीयर टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे किसी बॉडी का सारा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है उसको हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि एक बॉडी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो कौन सा ऐसा पॉइंट है, क्योंकि जो बॉडीज़ होती हैं अगर हम लोग सॉलिड मटेरियल की या रिज्ड टाइप बॉडी की बात करें तो वो बॉडी जो होती है वो स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। अब वो जो पार्टिकल्स होते हैं हर एक पार्टिकल वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, अगर हम लोग हर एक पार्टिकल के वेट को फोर्स का नाम दे दें तो सारी फोर्सेस पैरेलल होंगी एक दूसरे के, इन सारी की सारी कंबाइंड फोर्स का अगर हम लोग रिजल्टेंट फोर्स या वेक्टर निकालें वो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इट हैज़ द सेम इफेक्ट और कंबाइंड इफेक्ट होगा इन सारे के सारे पार्टिकल्स का, उस वेक्टर की पोजिशन हम लोगों को सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताएगी। रिपीट करता हूँ, एक बॉडी है छोटे छोटे पार्टिकल्स पर कंसिस्ट है, अगर हम लोग इस बॉडी को भी नाम दे दें हर एक पार्टिकल का भी नाम दे दें तो हर एक पार्टिकल का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, सारे के सारे वेट को फोर्स का नाम दे दें तो ये पैरेलल फोर्सेस बन जाएंगी, इन सारी फोर्सेस को कंबाइन करके एक रिजल्टेंट वेक्टर या फोर्स मालूम करें तो वो जो रिजल्टेंट वेक्टर की पोजिशन होगी वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताएगी। तो इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि इट इज़ यूजफुल टू नो द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इन प्रॉब्लम्स डीलिंग विद इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम वर्ड है इसको करेक्ट कर लीजिएगा, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे लिए हेल्पफुल है कि जब हम लोग बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजिशन में उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करते हैं। ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन आपने साथ में करनी है जो मैंने वर्डिंग में बता दी है। दो टॉपिक थे सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इन्हीं को आप कीजिएगा, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा कपल, चैप्टर नंबर 4 विच इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। कपल लगने वाली दो फोर्सेस या पेयर ऑफ फोर्सेस का दूसरा नाम है, आइए उसको अंडरस्टैंड करते हैं। दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड एक जैसा हो, उनकी डायरेक्शन आपस में अपोजिट हो और वो फोर्सेस एक लाइन के अलोंग एक्ट ना करें। रिपीट करता हूँ, लगने वाली दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड एक जैसा होगा लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, दैट्स वाई अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी, लेकिन वो फोर्सेस एक लाइन के अलोंग एक्ट ना करें, ऐसी फोर्सेस को हम लोग कपल कहते हैं। कपल पेयर से ही वर्ड ड्राइव किया गया है, यहाँ पर लगने वाली दो फोर्सेज हैं। अंडरस्टैंड करने के लिए कॉमन सी एग्जांपल है स्टीयरिंग व्हील की, ये जो स्टीयरिंग व्हील होता है इस पर दो तरह की फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, जब भी एक ड्राइवर ड्राइव करता है स्टीयरिंग को घुमाता है तो एक जो फोर्स होती है यहाँ से अपवर्ड एक्ट करती है और दूसरी फोर्सेस यहाँ से
डाउनवर्ड एक्ट करती है। अगर ये दो फोर्सेज हों F1 F2, इन दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड एक जैसा हो लेकिन इनकी डायरेक्शन आपस में अपोजिट हो, और ये दोनों फोर्सेज एक लाइन के अलोंग एक्ट नहीं कर रही हैं, ये दोनों फोर्सेज टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी जिसकी वजह से ये जो स्टेयरिंग होता है ये रोटेट करता है, और ये दोनों फोर्सेज का एक कंबाइंड रिजल्ट किसके इक्वल होता है, कपल के। एक्सप्लेनेशन में व्हेन द ड्राइवर टर्न्स द स्टेयरिंग टू इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन फोर्सेज प्रोड्यूसेस टर्निंग इफेक्ट। यहाँ पर भी पहली एक्सप्लेनेशन में पहला पॉइंट आपने बताना है कि जब जो ड्राइवर जो होता है क्या कर रहा होता है, स्टेयरिंग को टर्न करता है, तो ये क्या करता है, दो तरह की फोर्सेज को, वो फोर्सेज जिनका मैग्नीट्यूड एक जैसा होता है उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, उनकी वजह से जब वो अप्लाई करता है तो उनकी वजह से क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, और ये दोनों फोर्सेज कपल कहलाती हैं। एग्जाम्पल नंबर टू जो एक्सप्लेनेशन में है वो डबल आर्म स्पैनर में है। डबल आर्म स्पैनर ये चीज़ होती है एक ऐसी डिवाइस जो किसी नट को टाइट या लूज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अक्सर जब हम लोग टायर चेंज करते हैं तो इसके बुलेट या नट को ओपन या क्लोज करने के लिए हम लोग एक डबल आर्म स्पैनर का इस्तेमाल करते हैं। डबल आर्म इसको इसलिए कहा गया कि इसके दो आर्म लगे होते हैं, इस पर दो तरह से फोर्सेस लगाई जा सकती हैं। ये इसके दो पॉइंट हैं, दो आर्म हैं, एक फोर्सेज यहाँ से अपवर्ड लगाई जाती है और दूसरी फोर्सेज यहाँ से डाउनवर्ड लगाई जाती है। जब हम लोग इस साइड पे फोर्स अपवर्ड, इस साइड पे इक्वल मैग्नीट्यूड वाली फोर्स डाउनवर्ड, अपोजिट डायरेक्शन फोर्स F1 के, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव रोटेट करेगा स्पिनर, नट लूज किया जाएगा। तो ये जो दो फोर्सेज हैं, याद रहे कि ये दोनों फोर्सेज एक लाइन के अलोंग एक्ट नहीं कर रही, दैट्स वाई ये दोनों फोर्सेज मिलकर कपल बनाती हैं। उसे मेंशन कर दिया लगने वाली जो फोर्सेस हैं जिनको हम लोग नाम दे रहे हैं F1 एंड F2 का, या सिंपली अगर दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड एक जैसा है तो दोनों को F से ही रिप्रेजेंट किया गया है। ये पॉइंट O है, दो फोर्सेस पॉइंट O पर एक्ट कर रही हैं, जो F फोर्स है जो अपवर्ड लग रही है इसका मोमेंट आर्म OA के इक्वल है, और जो दूसरी फोर्स F डाउनवर्ड एक्ट कर रही है उसका डिस्टेंस या मोमेंट आर्म OB के इक्वल है। एक्सप्लेनेशन में इसको भी अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं कि डबल आर्म स्पैनर इज यूज्ड टू ओपन द नट, इक्वल फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ आर अप्लाइड ऑन एंड ए एंड बी ऑफ अ स्पैनर इन अपोजिट डायरेक्शन, दीज फोर्सेस फॉर्म अ कपल दैट टर्न द स्पैनर एट पॉइंट ओ। उसने यही कहा है कि जो डबल आर्म स्पैनर होता है इससे हम लोग नट को लूज या टाइट कर सकते हैं, दो तरह की फोर्सेज इस पर एक्ट करती हैं, और ये जो दोनों फोर्सेज होती हैं इनका मैग्नीट्यूड एक जैसा होता है और इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। टॉर्क इन दोनों फोर्सेज के लगने की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है, और टॉर्क ऑफ कपल किसके इक्वल हो जाएगा उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय बोथ फोर्सेज ऑफ द कपल हैव द सेम डायरेक्शन, दस टोटल टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द कपल विल बी, टोटल टॉर्क दोनों फोर्सेज जिनका मैग्नीट्यूड एक जैसा, डायरेक्शन अपोजिट, नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, उनकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला जो कपल होगा जिसको हम टॉर्क ऑफ द कपल कहेंगे किसके इक्वल हो जाएगा, एक फोर्स एफ मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स एफ मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस या मोमेंट आर्म ओ ए प्लस इसके साथ सम करेंगे दूसरी फोर्स वो भी एफ से रिप्रेजेंट की गई मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म ओ बी के इक्वल, तो टोटल जो टॉर्क है या टॉर्क ऑफ कपल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, F मल्टीप्लाई ओ ए प्लस F मल्टीप्लाई ओ बी, इन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट जिसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको हम लोग नाम देंगे टॉर्क ऑफ कपल का। ये दोनों फोर्सेस चूंकि एक जैसी हैं हम लोग इनको कॉमन ले सकते हैं, तो ओ ए प्लस ओ बी अंदर बच जाएगा, तो ओ ए और ओ बी जो टोटल डिस्टेंस है ओ ए एंड ओ बी का वो कंबाइन या टोटल डिस्टेंस उसने बिल्कुल इक्वल कर दिया है। इस जगह पर लगने वाली फोर्स मतलब पॉइंट ए से लेकर इस जगह पर लगने वाली फोर्स पॉइंट बी, तो टोटल डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी सारे का सारा ए बी के इक्वल कर देंगे, तो ये नेट रिजल्ट किसका आ गया, टॉर्क ऑफ द कपल का। सिंपली हम लोगों ने यहाँ तक इस डेरीवेशन जो छोटी सी दो लाइन की डेरीवेशन है इसमें हम लोगों ने टॉर्क ऑफ कपल को फाइंड आउट किया है। सिंपली दो फोर्सेज थी जो कपल बना रही हैं, एक लाइन के लॉन्ग एक्ट नहीं कर रही, दोनों फोर्सेस का
मोमेंट आर्म अलग अलग होगा और इनका कंबाइंड रिजल्ट टॉर्क ऑफ द कपल के इक्वल होगा। ये जो इक्वेशन है ये हम लोगों को टॉर्क के बारे में बताती है, जो दो फोर्सेस की वजह से जिनको डिस्टेंस ए बी पर सेपरेट किया गया है इनकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। इसी का लास्ट पॉइंट है टॉर्क ऑफ कपल, इसको हम कपल आर्म भी कहते हैं। टॉर्क ऑफ कपल या कपल आर्म किसके इक्वल होता है? द टॉर्क ऑफ कपल इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द टू फोर्सेस एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों फोर्सेस के प्रोडक्ट वन ऑफ द टू फोर्सेस, मतलब यही उसने इसी डेरिवेशन से ही इसको डिफाइन किया गया है कि टॉर्क ऑफ कपल किस तरह क्या चीज़ होती है, वो प्रोडक्ट होता है वन ऑफ द टू फोर्सेस, दोनों फोर्सेस का और उनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। इसको हम लोग नाम देंगे टॉर्क ऑफ द कपल का। शॉर्ट से टॉपिक में आज हम लोगों ने कपल को डिस्कस किया, उसकी डेरिवेशन की, दो एग्जांपल पढ़ी और टॉर्क ऑफ द कपल पढ़ा। थैंक यू।